राजधानी दिल्ली में कई सालों से ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या आ रही है और जब दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने चुनाव के समय कहा था कि दिल्ली के शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी फ्री पानी जाएगा तो लोगों ने इसी उम्मीद के साथ उन्हें वोट दिया था, लेकिन यह वोट अब खाली जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक ग्रामीण इलाकों में पानी नहीं आया और जो टैंकर भी आते हैं उन्हें भी पैसे देकर बुलाया जाता है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको पानी की ज़रूरत है और जो टैंकर का खर्चा नहीं उठा सकते वह पानी उन तक नहीं पहुंचता, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और आया नगर वार्ड के स्थानीय निवासियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और एक प्रदर्शन किया जिसमें लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द पानी आया नगर गांव तक पहुंचाया जाए क्योंकि खासकर गर्मियों में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या होती है और आया नगर वार्ड के कई लोगों को भी यही समस्या झेलनी पड़ रही है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सभी कोरोना गाइडलाइंस को मानते हुए यह प्रदर्शन किया गया जिस प्रदर्शन कर रहे हैं पानी की किल्लत से जो है नगरवासी जो है परेशान हो रखे हैं, क्या है मेरे ख्याल से शायद आयनगर को इन्होंने जहां ये गरीबों की बात करते हैं और जिसमें गरीब जनता बसती है ऐसों के साथ धोखा दिल्ली सरकार ने किया है। पानी की समस्या इतने भयंकर है कि किसी ब्लॉक में भी पानी नहीं है। जो टैंकरों से ये पानी देते हैं उसको बेचते हैं, 600 से 800 रुपये का टैंकर देकर गरीबों को पानी देते हैं लेकिन वो फ्री नहीं है। मैं वो केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो फ्री का वायदा बिजली का और पानी का कहाँ पर है। आखिर ये गरीबों के साथ धोखा क्यों है? 15 में आपने कहा कि मैं दिल्ली में हर घर में पानी की टूटी पहुँचा दूंगा, 19 में फिर कहा, 20 में फिर कहा, आज 21 में फिर कह रहे हैं। आखिर ये वायदे कब पूरे होंगे? ये थोंग है, ये गरीबों के साथ वो है। अपने मकान पर आप 9 करोड़ रुपये खर्च करते हो, गरीबों कहने वाले खाली दिखावा करके पैंट और शर्ट टूटी चप्पल पहनकर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप पे लोगों ने विश्वास किया था, दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। उन्होंने सोचा शायद राजा हरिश्चंद्र यहाँ पर आया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का नाम बदनाम करने वाले केजरीवाल, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो। बिजली की व्यवस्था, कभी बिजली नहीं जाती थी, प्राइवेट जब से हुई है, लेकिन अब 4 से 5 घंटे बिजली डेली आयनगर के अंदर। लगातार जिस तरह से अब गर्मी का मौसम आ रहा है, लगातार गर्मी का टाइम आ गया है, गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है आयनगर में खासतौर से, वो रहती है हर साल ही रहती है, लेकिन फिर भी जो है सरकार कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ का विधायक, यहाँ का पार्षद क्या कहेंगे? विधायक आराम से सो रहा है, विधायक को चिंता नहीं है, गरीबों की सुनता नहीं है, फोन उठाता नहीं है, मिलता है नहीं, लोगों के बीच आता नहीं है। जहाँ तक निगम पार्षद की बात है वो सबको जग जाहिर है, वो दिखावा करता है, काम कुछ नहीं करता, दिखावा करता है। मैं तो कहता हूँ ये निगम के अंदर भी नहीं आता पानी, पानी सिर्फ एक्सक्लूसिव दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार को पानी देना है। आप कैसे पानी देंगे आपकी अपनी व्यवस्था, आज फिर आप नए कांग्रेस हैं, कब तक गुमराह करोगे? कोई सीमा होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि क्या अपने लोगों को आइडेंटिफाई करके आप पानी पहुँचा रहे, निष्पक्ष लोगों को भूखे मार रहे हो। क्या लगता है ये आपका आंदोलन चलता रहेगा जब तक आयनगर को पानी नहीं मिलेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, जारी रहेगा। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये कहना चाहेंगे कि गरीबों की सेवा करो, गरीबों के नाम पर चिपकाओ, गुमराह करना बंद करो, जिंदगी की जनता को पानी दो, बिजली दो, खाना दो। आज गरीबों के नाम पर मोदी जी सरकार ने सब बगैर राशन कार्ड के लोगों के लिए राशन आपके पास भेजा हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? टाइम से आप उनको दे नहीं रहे हैं, टोकन अपने लोगों के घर पहुंचा देते हैं, ये यहाँ पर चल रहा है। हमने वो सुना हुआ है, पर लेकिन हमारे आयनगर की स्थिति ऐसी है कि जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ से है? यहाँ रहने वाला हर एक प्राणी, आयनगर के अंदर पानी की इतनी भयंकर गंभीर समस्या है। टैंकर आते हैं, टैंकरों में से जो पानी लिया जाता है उसके पीछे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोगों के सर फूट जाते हैं, इतना बुरा हाल पानी का है। एक लड़ाई की मुहिम जारी रखेंगे क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, केजरीवाल सरकार के द्वारा पानी को बेचा जा रहा है, टैंकरों को बेचा जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे मरते दम तक, क्योंकि यहाँ की जनता प्यासी मर रही है और विधायक निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग फोन करते हैं तो उठा नहीं रहे हैं, और इन चीज़ों का हम लोग पूरे रूप से विरोध कर रहे हैं। और गरीब जनता, जो यहाँ की प्यासी जनता है, जिसको फ्री पानी देने का वादा किया था केजरीवाल साहब ने, जो आज तक, जो पिछले 7 साल पहले उन्होंने कहा था
कि हम दिल्ली में फ्री पानी देंगे। आज जो जाके गुजरात में बोलते हैं कि 93% जगह पर हमने पाइपलाइन डाल दी है, आके आज हमारे यहाँ देखें स्थिति क्या है, क्या किसी को टूटी से पानी मिल रहा है? जो पानी मिल रहा था वो भी आना बंद हो गया। प्रदर्शन मरते दम तक चलता रहेगा जी। प्रदर्शन करने, प्रदर्शन क्या है कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो बिल्कुल जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल उन्होंने पूरे नहीं किए। और मैं तो ये कहूँगा अन्ना जी के मंच से लेकर के राज वहाँ तक जो जो छूटे इसने वादे किए हैं। अभी हमें पता लगा कि अपने घर में पहले एक पैंट और शर्ट और मफलर और चप्पल पहन के मैं तो सरकारी गाड़ी भी नहीं लूँगा। आज सरकारी आयानगर में इतना बुरा हाल है, गलियों में जाकर के देखिए कूड़े के ढेर हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो आज ये गर्मी में सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो पानी के लिए बिल्कुल चलती रहेगी जब तक आखिरी सांस है, जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक ये झूठे वादे बंद नहीं करेंगे और पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा।